नमस्कार, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। महाराष्ट्र में एक जिला है बुलढाणा, 3 दिन से यहाँ बिजली नहीं आ रही थी, तो एक किसान ने राज्य बिजली विभाग के अधिकारी को कॉल किया। अधिकारी ने उसकी समस्या का समाधान करने के बजाय फोन पर ही गाली देनी शुरू कर दी। अब इसी बात को किसान ने रिकॉर्ड कर लिया और विधायक को सौंप दिया। विधायक संजय ने इस ऑडियो को मुंबई विधानसभा अधिवेशन में पेश किया। इसके बाद ऑडियो वायरल होने लगा। पहले जानते हैं ऑडियो में क्या है। किसान और बिजली विभाग के जूनियर इंजीनियर की जो बातचीत हुई है, चलिए पहले उसका हम ऑडियो सुन लेते हैं। बोला साहब, सकाळी 8 वाजता घाटगुरी ते तू। बर 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 बर, लँग्वेज बदलली तुमची साहेब। सकाळी 8 वाजता घाटगुरी ते, हा नंबर माझ्याजवळ आहे, म्हणून तुला भेटायचं। बर बर, तुमची लँग्वेज बदलली जरा। सगळंच बदललं माय। हो का? मग काय लाईन येत नाही का आमच्या गावची? काहीच येणार नाही तुला गाव। तू मग अंधारात झोपायचं का? तू काशी करणार तिकडे, फाशी घेऊन मर तिकडे, मला काय घेणं देणं आहे। बर 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 साहेब, आता फाशी घेऊन मेल्यावर तुमचं कसं होईन? ये तू सकाळी 8 वाजता ये। काय करू साहेब? ये ना तू, तुला आल्यावर समजेल काय काय करता साहेब तुम्ही आल्यावर। मी अरे तू येणार आहे बाबा, तू काय होता दिवसातून सांगता नाही आलं का? आहो साहेब, पण 3 दिवस झाले आम्ही अंधारात। अरे 3 दिवस झाले तर आम्हाला लाईनशी मतलब आहे। कशी बोला लागले तुम्ही साहेब? बरोबर बोला। लाईनशी मतलब आहे ते एवढ्या उशिरा सांगून राहिला का तू? बरोबर बरोबर बोला साहेब तुम्ही। सकाळी 8 वाजता भेटा म्हणून तुम्ही, काही विषय नाही, घाटगुरी भेटा। बस इतने में ही फोन कट जाता है। अब जानिए विधानसभा बैठक में क्या हुआ। आज तक के रिपोर्टर जका खाना के अनुसार मेहकर निर्वाचन क्षेत्र है, वहीं के शिवसेना विधायक हैं संजय राय मुलकर। इन्होंने किसान और बिजली अधिकारी की बातचीत का ऑडियो विधानसभा अधिवेशन में पेश किया। उन्होंने उस जूनियर इंजीनियर को बर्खास्त करने और कार्रवाई करने की मांग की। विधायक संजय ने विधानसभा में कहा, मैं आपके निर्देशन में एक बात लाना चाहता हूँ। मेरे विधानसभा क्षेत्र में एक खंडारकर नामक किसान ने 3 दिन से बिजली ना होने पर मालोकार नामक जूनियर इंजीनियर को फोन किया। उस पर इंजीनियर ने उसे गालियाँ दी और तू मर फांसी लगा ले, किसान मर गए तो मुझे कुछ लेना देना नहीं, सामने आ तेरे कान के नीचे मारता, इस तरह की असभ्य भाषा का इस्तेमाल इंजीनियर ने किया। मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मेरे पास वो क्लिप है, अगर आप इजाज़त दें तो मैं आपको सुनाता हूँ। इसने अश्लील भाषा का इस्तेमाल कर किसानों का अपमान किया है। मेरी आपसे मांग है कि उसे तुरंत नौकरी से सस्पेंड या डिसमिस किया जाए। धनंजय खंडारकर जो किसान हैं, उन्होंने बताया, पिछले 3 दिनों से हमारे यहाँ लाइन नहीं है। वायरमैन को रात में फ़ोन किया क्योंकि दिन में लाइन की उतनी ज़रूरत नहीं रहती, इसलिए उसे रात में फ़ोन पर बताया कि आधे गांव की लाइन है और आधे गांव की नहीं है। इस पर वायरमैन ने कहा कि मैं अभी लाइन शुरू नहीं कर सकता। मैंने उसके बाद वरिष्ठ अधिकारी जूनियर इंजीनियर मालोकार को 8 बजे के करीब फ़ोन किया। उन्होंने मेरे साथ अश्लील भाषा का उपयोग करते हुए मुझे फांसी लेने को कहा। मैंने बातचीत की रिकॉर्डिंग हमारे विधायक को भेज दी। आज तक के रिपोर्टर जका खाना के अनुसार बुलढाणा जिले में एक गांव है भूसा, जहां के किसान धनंजय खंडारकर ने बिजली विभाग के जूनियर इंजीनियर दीपक मालोकार से बात की। 24 जून की रात 8 से 9 बजे के बीच फोन किया। किसान ने इंजीनियर से पूछा कि 3 दिन से बिजली लाइन बंद है, कब बिजली आएगी। उसी पर अधिकारी अंट शंट बोलने लगे, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, यही कहावत हो गई। मतलब एक तरफ सरकार गांव में बिजली और पानी पहुंचाने का वादा करती है, दूसरी तरफ अधिकारी किसान को फांसी लगाने के लिए ही कह देते हैं। वो ये बताना ज़रूरी नहीं समझते हैं कि बिजली कटने का कारण क्या है और न ही बताते हैं बिजली कब तक आएगी, उल्टा किसान को ही डांट फटकार रहे हैं। ये स्टोरी मेरी कुलीग उमा ने की है। शुक्रिया।